हमारा गोवा पर्यटन तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं कारण गोवा में लाखों पर्यटन हर साल में आते हैं और गोवा की आर्थिक परिस्थिति काफी पर्यटन पर निर्भर रहती है। यहाँ पर हाल में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव हुआ है, जिसके कारण गोवा के पेड़ ने तालुका के लगभग 15,000 किसान लोगों की अपनी जमीन खोनी पड़ रही है। गोवा के पर्यटन उद्योग से ज्यादातर फायदा व्यापारी लोगों को ही होता है, पर आज भी गोवा के किसानों के जीविका का मुख्य साधन खेती है। आमची शेता, आमचे काजू, आमचे माड सगळे पुरायतले आणि ते मंत्र करतले आम्ही खाय वचपाचे। ही सगळी शेतीची आणि बागायतीची जमीन असल्यामुळे ही जर समज त्या एअरपोर्टला तर सगळीची शेतीची जमीन जर गेली तर ही आमची म्हणजे पिढ्यानपिढ्या आम्ही इथं शेती आणि बागायती करून आमच्या कुटुंबाचं जे पालनपोषण करत आलेलो आहोत हे आमचे कुटुंब रस्त्यावर पडतील आणि त्याचा आजपर्यंत कोणी काही म्हणजे विचार केलेला नाही आहे। लोकांना म्हणजे लोकांची फसवणूक करून त्यांना निरनिराळी आमिष असे दाखवलेली होती। काय आमिष दाखवली होती? तुम्हाला इथं आम्ही नोकऱ्या वगैरे देऊ सगळ्या, त्याच्यानंतर तुमच्या जमिनीचा आम्ही तुम्हाला जी जमीन जाईल त्याचा पैसा देऊ भरपूर। एक तरफ गोवा का पर्यटन उद्योग बनाने के लिए नया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसके कारण गोवा के पेड़ने तालुका की लगभग 1 कोटी चौरस मीटर जमीन जा रही है। इसमें तुळसवाड़ी, वारखंड, कासरवाने, चांदेल और मोपा नाम के 5 गांव आते हैं और इन 5 गांव की आबादी लगभग 15,000 से ज्यादा है। यहाँ की जमीन खेती के लिए सुपीक और जलमय होने के कारण हमारे किसानों ने यहाँ नारियल, सुपारी, केले जैसे फलों के बहुत बड़े बड़े बाग किए हैं, लेकिन सरकार यहाँ के लोगों को फंसा कर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। आमचे भुर्गे लोकांचे काम करून आम्ही पोट भरता, शेत आहा, काजू आहा, माळा माडी असा, त्याच्यावर आमचे पोट भरता। आमका इमानतळ आमका कायच मेळपाना, आमका इमानतळ नका। आणि इमानतळ येलो झाल्यावर तुमका किदें जातलें? आमका कायच मेळचे ना, आम्ही रस्त्यावर वयतले। मैस व्हिडिओ के माध्यम से गोवा सरकार का किसान विरोधी नीति का ध्यान पूरे विश्व के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि लोग इस एयरपोर्ट के विरोधी आंदोलन को समर्थन कर किसानों के आंदोलन को मजबूत करें। मैं देविदास गांवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, पेड़ने गोवा से।